everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup Sir. So today topic is financial statement. हम आज समझते कि financial statement क्या होता है, उसके user कौन होते हैं, objective क्या होता है और हमारा जो process रहता है accounts में financial statement का वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आते हैं ट्रांजेक्शन। हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है अकाउंट्स में जिनको हम याद नहीं रख सकते। हमारे पास डेली रूटीन का जो वर्क होता है उसकी डे टू डे की ट्रांजेक्शन लर्न नहीं रह सकती, इसलिए हम क्या करते हैं उसको हम जनरल प्रॉपर बनाते हैं। उसके लिए हम जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे। रिकॉर्डिंग के बाद देन हम पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर क्या होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक की जो ट्रांजेक्शन होती है उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं लेजर, उसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। सो लेजर के बाद हमारा स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास आता है डेबिट। ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे हम आइटम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, डायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम डेबिट में लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं। एसेट्स को हम डेबिट और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट। ये सब आपने बनाया है जो आप अकाउंट्स में करके आई है। सो इन सब का जो कंक्लूजन होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक रिपोर्ट की तरह से काम करती है, रिपोर्ट की तरह से काम करते हैं। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है, जो रिपोर्ट होती है, वो कैसे प्रिपेयर की जाती है और उसके अंदर हमें क्या क्या पता चलता है। सो हम फर्स्टली बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी का, कि जो हमारा बिजनेस जो चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर लॉस में चल रहा है तो हम क्या उसके लिए आगे रिसर्च कर सकते हैं या फिर हम क्या उसके लिए, अगर हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है तो हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन का, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है थ्रू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है या वीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि नाम से ही डिनोट हो रहा है, तो ये क्या बताती है हमें, इनकम स्टेटमेंट बताती है। जो कहां से पता चलेगी हमें, ट्रेडिंग अकाउंट से एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां से हमें पता चलता है कि इनकम स्टेटमेंट क्या है हमारे बिजनेस की। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन भी बताती है कि जो कि हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। तो ये हमारा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नाउ हम बात करते हैं कि यूजर्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उसके बाद उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं मैनेजमेंट। जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए कैसे यूजफुल है, इन्वेस्टर को अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टर सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन चेक करता है कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को भी जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, इम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट को जरूरत होती है क्योंकि गवर्नमेंट को रूल एंड रेगुलेशन बनाती है फॉर द बिजनेस यूनिट, सो गवर्नमेंट को भी नीड होती है। एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज। टैक्सेशन अथॉरिटीज क्या करती है, जो कि टैक्स लेती है, टैक्स लगाती है बिजनेस पे, तो उनको क्या जरूरत होती है कि जो इनका जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है या फिर प्रॉफिट में चल रहा है। सो ये सब क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। Now we will discuss about the objective of the financial statement, कि हमारे objective क्या होते हैं financial statement के। Objective रहते हैं हमारे true and fair view of financial performance and financial position, कि हमें represent करे। Represent किसके through होगा, represent trading, P&L and balance sheet के through हमें financial statement represent करे कि हमारी financial position क्या है। तो ये हमारे basically objective रहते हैं। तो ये overall था आपके financial statement के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों बनाते हैं, इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ हम डिस्कशन करते हैं फिर हम बनाते कैसे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सो हम यहाँ पे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट पहले अकाउंट्स बना लेते हैं एंड पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लाइबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पे एसेट्स लिखते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेबिट में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, हम यहाँ पे ट्रेडिंग में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। ये हमारे डेबिट होते हैं, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। पीएनएल में लिखते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। लाइबिलिटी में हम लिखते हैं जो हमें पे करना है, जैसे कि लोन ले रखा है हमने, बहुत बड़ा लोन ले रखा है, तो वो किसमें आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। एसेट साइड में क्या आता है, फिक्स एसेट्स जो भी हमारी होती है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो एसेट्स है हमारी बिजनेस के लिए, वो हम एसेट्स में आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल क्या होता है, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरव्यू होता है, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। तो अब जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट इनकम आ जाती है। तो अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस बचता है तो ये होता है ग्रोस प्रॉफिट एंड क्रेडिट अगर रिमेनिंग रहता है तो ये हो जाता है हमारा ग्रोस लॉस। नाउ हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया है उसको हम पुट कर देते हैं पीएनएल की क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे आ जाता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट। जो हमारा ग्रोस लॉस होता है ये आ जाता है डेबिट साइड, ग्रोस लॉस। अब सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजें डिडक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचता है नेट प्रॉफिट। अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस रिमेनिंग रहता है तो ये रहेगा नेट लॉस। तो यहां से हमें ये दो बैलेंसिंग फिगर मिलती है, इनका हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है देन हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कैपिटल अमाउंट आ जाएगी, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट और यहां से लेस कर देते हैं नेट लॉस। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और नेट लॉस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस साइड हमारी एसेट्स आ जाती है। तो ये ओवरऑल आपको अकाउंट्स के बारे में बताया कि इस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो हमारे अकाउंट्स में जो हम आइटम्स डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी में क्या क्या लिखेंगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।